क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5. इन दिस केस यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज विद अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स. ओके, पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी. अब ये देखिए, अगर हम इसे कंसिडर करें कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये है सेट ए और ये है सेट बी. दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. तो ए यूनियन बी आता है ये. ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स. दिस इज ए यूनियन बी. ओके, तो ये आपका ए यूनियन बी है. दिस इज ए, दिस इज बी. तो कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा. ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, दिस इज द वेन डायग्राम. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ओके, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आता है, कॉमन पार्ट आता है. अब ये देखिए, ये है ए और ये है बी. दिस इज ए, तो ये देखिए, ये है ये देखिए लाइन अंदर आ गई है, यहां पे भी लाइन अंदर आ गई, लेकिन ये चाहिए ए के अंदर नहीं चाहिए, बी के अंदर तो आ सकती है लाइन. इस वक्त जो सीधी लाइंस मैंने ड्रॉ की है उसमें ए को मैंने कवर नहीं किया, मतलब वो ए डैश है. अब हॉरिजॉन्टल लाइंस बी डैश के लिए देखिए, ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं लिया मैंने. ये देखिए, ए के अंदर आ रही, बी के सर्कल पे आके स्टॉप हो गई, बी के सर्कल से यहां से आगे बढ़िए. ए के सर्कल के अंदर जा रही है लेकिन बी के सर्कल के अंदर नहीं. ओके, तो हमने जो वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ किए थे, ये वाले, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए थे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी डैश को. ओके, डबल शेडेड रीजन जो है ये वाला, दिस विल बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. मतलब अब अगर इसका डायग्राम हम यहां पर बनाए, देखिए ए बी, तो ये वाला पार्ट, दोनों सर्कल्स ड्रॉप कर दीजिए. ड्रॉप बोथ द सर्कल्स. तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है. आप देख सकते हो ये और ये दोनों सेम है. आफ्टरऑल डी मॉर्गन्स लॉ से भी हमें पता है कि ए एन एन बी डैश, ये डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है. ओके, अब अगर इसकी बात करें तो देखिए, इसमें दिया है इंटरसेक्शन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले ये देखिए, ये दो सर्कल्स है ए और बी, ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. बस इसको ड्रॉप कर दीजिए. अब इसको आप ड्रॉप करोगे तो आपका डायग्राम कैसा आएगा, इसको देखिए थोड़ा बड़ा दिखाइएगा. ये इंटरसेक्शन बी है, आपको इसे ड्रॉप करना है, ठीक है. यहां पे ये आप चाहो तो ए लिख दो, यहां पे बी लिख दो. ड्रॉप दिस, ड्रॉप द इंटरसेक्शन पार्ट. ये देखिए बी के अंदर आ रहा है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, फिर इंटरसेक्शन के नीचे से लाइन आ रही है. प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है. बाकी जो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी डैश है. ओके, एंड फाइनली ए डैश यूनियन बी डैश सेम ही आएगा बिकॉज ऑफ
डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सब कवर होता है, ए डैश का भी और बी डैश का भी. अब जैसे ये है, इसमें ये जो पूरा पार्ट है, डैट इज ये देखिए, ये पार्ट छूट रहा है, ठीक है, तो ये डबल शेडेड और ये सब मिला के ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा. इसका आप चाहो तो डायरेक्ट डायग्राम बना दो. ओके, वैसा ही है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, बस लीव द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर जो है. दिस इज ए डैश यूनियन बी डैश. ओके, सो दीज आर द वेन डायग्राम्स फॉर गिवन सेट्स. प्लीज नोट इट डाउन.